हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं थोड़ा डर फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वियर्ड टुडे, और पता नहीं आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी कर रही हूँ तो ऐसे एक सैडनेस से फील हो रही है। ये तो एक तो बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट नो, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी वो नहीं था कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, बट थॉट कुछ करती हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होगा, और भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अभी अगर मैं उठती नहीं और कुछ बनाती नहीं तो। आपको मेरी एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो लग रही होगी। सो एनीवेज, सो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कॉमेडियंस को हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स, क्योंकि लास्ट वीडियो जो भी मैंने बनाया था कॉमेडियनल एक्ने पर, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बट लोगों के कॉमेंट्स आए कि प्रोडक्ट्स बताइए। सो या लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड या अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब मुझे कॉमेडियंस की प्रॉब्लम है नहीं, तो सारे प्रोडक्ट्स तो यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो आप सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड में ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सीरम्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप जिटकेयर जेल यूज़ कर सकते हैं। जिटकेयर ख़त्म होने के बाद आप 2% सैलिसिलिक एसिड ट्राई कर सकते हैं। तो पहले जिटकेयर को पूरा ख़त्म कर दें। सारे सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, बट गाइज आपको 3-4 मंथ्स तक इन्हें यूज़ करना है रेगुलरली, ताकि आपको थोड़े रिजल्ट्स देखने को मिले। तो सेकंड है एक्सट्रैक्शन, वो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर करा सकते हैं। उसमें तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उधर खुद ही डॉक्टर होंगे करने वाले। सो डॉक्टर्स आपके स्किन में जितना भी गंक है आराम से और अच्छे से निकाल लेंगे सेफ्टी से, तो इसमें मुझे कोई प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप एक्सट्रैक्शन के बाद सैलिसिलिक एसिड जरूर यूज करें, ताकि फ्यूचर में जो कॉमेडियंस बनने वाले वो प्रिवेंट होते हैं, यानी सैलिसिलिक एसिड कॉमेडियंस बनने से रोकता है। एजिलिक एसिड भी कॉमेडियंस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा मुझे कौन सा एजिलिक एसिड पसंद है। बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। अगर आप बिगिनर है तो आप 10% एजिलिक एसिड ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बहुत बार कर चुके हैं तो आप 20% भी ट्राई कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेटिनॉइन या फिर टिज़ेरोटीन, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये प्रोडक्ट आप खुद से यूज नहीं कर सकते हैं। मुझे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, आपको भी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही इस प्रोडक्ट को यूज करना है। ये काफी स्ट्रांग है, जैसा डॉक्टर बताए वैसा ही यूज करना है, वैसे ही तरीके से इसे यूज करना है। अगर इन दो प्रोडक्ट्स ने आपकी स्किन पर काम कर दिया तो आपकी स्किन मैजिकली इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ये जो ट्रेटिनॉइन एंड टिज़ेरोटीन है, ये बहुत ही अमेजिंगली पिगमेंटेशन, कॉमेडियनल एक्ने और भी टाइप के एक्ने होते हैं उन सब पे काम करता है। बट ये प्रोडक्ट बिना डॉक्टर के आपको यूज नहीं करना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आप खरीद कर यूज करने लग जाएं। एक्चुअली ये काफी हार्श प्रोडक्ट भी है, अगर अच्छे से यूज नहीं किया तो स्किन जल भी सकती है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने बोला था कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें मेक श्योर वो ऑयल फ्री हो एंड ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी ना हो, जिससे पोर्स हमारे क्लॉग हो सकते हैं। तो मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट आप मॉइस्चराइजर लगाएं या सनस्क्रीन लगाएं, तो मेक श्योर वो नॉन कमेडोजेनिक हो या फिर ऑयल फ्री हो। जो भी कुछ ऑप्शन है मेरे पास मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा ठीक लगे जो आपके स्किन टाइप पर सूट करे आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, एंड हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।